अब तक पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कई सारे टीवी सीरियल बन गए हैं, लेकिन इस साल 2022 में पृथ्वीराज चौहान की पूरी ऐतिहासिक कहानी फिल्म के रूप में दिखाई जाएगी। हिंदी फिल्म में हर साल कई ऐतिहासिक और बायोपिक फिल्म बन रही हैं, जो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि आज के हर पीढ़ी को हमारे देश के वीर सपूतों जिसने अपने प्राणों की आहुति दी उनके जीवन के बारे में जानना ही चाहिए। पृथ्वीराज चौहान एक ऐतिहासिक बायोपिक ड्रामा फिल्म है। यशराज फिल्म प्रोडक्शन के अंतर्गत बनी इस फिल्म को डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट किया है। तो खबरों के अनुसार ये फिल्म 10 जून 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म में कई सारे बॉलीवुड अभिनेता नजर आने वाले हैं। फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान के मुख्य किरदार में नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त विश्व सुंदरी मानुषी छिल्लर इस फिल्म में संयोगिता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अभिनेता मानव विज इस फिल्म में मोहम्मद गौरी की भूमिका निभाएंगे। वहीं पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रवरदाई की भूमिका में सोनू सूद नजर आएंगे। अभिनेता आशुतोष राणा कन्नौज के राजा जयचंद की भूमिका में नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त संजय दत्त भी इस फिल्म में शामिल है। बताया जा रहा है कि कहानी में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ किए बिना ऐतिहासिक जिंदगी को दिखाया जाएगा। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।